Bismillah Rahman Rahim. Today we will discuss the topic biological molecules. The learning outcome of uh, biological molecules are uh, given below. The definition of terms monomer, polymer, macromolecules, and the discussion of carbohydrate, especially monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides, including starch, glycogen, and cellulose. इसी तरह से जो सेकंड लर्निंग आउटकम है उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एमो एसिड हम पढ़ेंगे उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टनरी प्रोटीन अलोंग देयर इंपॉर्टेंस द लास्ट लर्निंग आउटकम ऑफ दिस टॉपिक इज आर लिपिड्स द टाइप ऑफ लिपिड्स असाइल ग्लिस्टरोल वैक्सीस फॉस्फोलिपिड्स टर्पिनाइड एंड देयर फंक्शन अब हम इनको एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बोहाइड्रेट्स में दे आर आल्सो कॉल्ड ऑल्सो कार्ल द लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली हम डिफाइन uh, करते हैं दे आर पोलिहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर किटोन्स आर दोज कंपाउंड विच गिव एल्डिहाइड आर किटोन ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो सी एक्स वाटर और वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनिक ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय डिफरेंट प्रोसेसेस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बिन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स एंड पोलिसक्राइड्स अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं इनके जो फीचर्स बनेंगे मोनोसक्राइड्स को आमतौर पे सिंपल शुगर भी कहते हैं ओलिगोसक्राइड्स को कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम दिया जाता है और पोलिसक्राइड को हम कहते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर तीनों को अगर हम कंपेयर करें ऑन द बेस तो मोनोसक्राइड आर स्वीट इन टेस्ट

तो ये आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते काट भी हाइड्रोलाइज ओलीगोसक्राइड कैन बी हैड्रोलाइज इंटू बेसिक यूनिट इसी तरह से जो पोलिसक्राइड होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं इन टू बेसिक यूनिट इसी तरह से जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोनोसक्राइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो कार्बन एटम्स के नंबर के बेस पे इसको हम

हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि इसमें स्टार्च ग्लाइकोजन और सेल्लोज इसमें आती है अब मोनोस्क्राइड की जो क्लासिफिकेशन है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फार्मूला हमारे सामने यहाँ पे गिवन है और ट्राइव में तीन कार्बन एटम्स हैं और अगर फार्मूले पे अप्लाई इसको करें तो ये सी थ्री एच सिक्स

इसी तरीके से इसके अंदर भी एल्डो शुगर और किटो शुगर, अरिथ्रोस और पेंटोजिस कंटेन फाइव कार्बन फार्मूला राइबोस ये राइबोस जो है ये आर एन ए के अंदर मौजूद होती है जबकि डी डीएनए राइबोस डी एन ए के अंदर मौजूद होती है अराइबलोस राइबलोस, राइबलोस कीटो शुगर है और ये कैलवन साइकिल के अंदर चैप्टर अलेवन के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा इसी तरह से जो है इसके अंदर छह कार्बन आइटम होते हैं और इसका फार्मूला और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्डो शुगर एंड शुगर है एंड ग्लेक्टोज इसी तरह से हेप्टोज कंटेनिंग सेवन कार्बन एटम एंड सीडो हेप्टोलोज इसकी एग्जाम्पल है यहाँ पे ट्रायोज की एक स्ट्रक्चर आपके सामने है इसमें कार्बन नंबर वन है ये कार्बन नंबर टू है और ये कार्बन नंबर थ्री है तीन कार्बन है इसके अंदर और इसके कार्बन नंबर वन अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे ये एल्डो ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है तो इस ट्राइस को हम एल्डो फॉर्म का नाम देंगे अब अगर दूसरी स्ट्रक्चर में आप देखें जो इसका दूसरी फॉर्म है तो वहां पे नंबर टू के ऊपर कीटोन ग्रुप मौजूद है एल्डो एंड कीटो तो इस तरीके से ये एक दूसरे के आइसोमर हैं एल्डो फॉर्म में इसका नाम है और फॉर्म के अंदर इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लेटिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी ऑक्सीएसिटोन दोनों एक दूसरे के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं जब आप ग्लाइकोलिस रहे होते हैं तो उस दौरान इसको डिस्कस किया जाता है मोस्ट ऑफ द मोनोसुक्राइड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन सोलूशन तो सोल्यूशन के अंदर ये वाटर के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ये एक स्ट्रक्चर है आपके सामने राइबोस का कार्बन नंबर टू थ्री फोर एंड फाइव राइबोस पेंटोज शुगर है जब इसको में ऐड करेंगे तो ये डेवलप करेगी रिंग स्ट्रक्चर और इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये रिंग कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फोर के दरमियान डिवेलप हुआ है कार्बन नंबर वन और फोर के दरम्यान जो लिंकेज है वो ऑक्सीजन का बालिक्यूल है जो रिंग के अंदर कार्बन शामिल है उसमें कार्बन नंबर वन टू थ्री और फोर जबकि कार्बन नंबर फाइव आउट ऑफ द रिंग मौजूद है इसकी जो स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप होगी उसका नाम है राइबो और ये डी ग्लूकोज है डी फॉर डेक्सट्रो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स वन पोजीशन के ऊपर एल्डो ग्रुप मौजूद है तो इसको हम ग्लूकोज या एल्डो ग्लूकोज का नाम देंगे इसी को अगर के अंदर हम डालेंगे तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है और ये रिंग स्ट्रक्चर कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव के दरमियान डिवेलप होता है जबकि कार्बन नंबर सिक्स आउट ऑफ रिंग होती है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को हम ग्लाइको या डी ग्लूकोज का नाम देंगे और ये डी ग्लूकोज कॉल्ड डेक्सट्रोज टेन ग्राम ग्लूकोज की जब सिंथेसिस होती है तो उस दौरान सेवन वन सेवन पॉइंट सिक्स किलो कैलोरी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यहां से हम अगर अब वन ग्राम ग्लूकोज निकालना चाहें हमारे पास वन ग्राम ग्लूकोज के लिए जो सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेवन वन पॉइंट सेवन सिक्स किलो रोली सोलर एनर्जी आर रिक्वायर्ड होगी वन ग्राम के लिए ह्यूमन ब्लड के अंदर नॉर्मली जो ग्लूकोज की परसेंटेज है वो जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट होती है इस सारी डिस्कशन uh, को अगर हम अप्लाई करें इस एम के ऊपर द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो डेफिनेटली जो इसका आंसर होगा वो ग्लूकोज होगा ओलेगोसेक्राइड्स मोनोस्क्राइड्स आर ज्वाइन बाई गोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म ओलेगोसेक्राइड्स ये डायग्राम सेन किया गया है ओलेगोस्क्राइड को यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और यह फ्रिक्टोज का मालिक्यूल है ग्लूकोज के मालिक्यूल को हम एल्डो शुगर और फ्रिक्टोज को हम केटोशु का नाम देंगे ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन का हाइड्रोक्सल ग्रुप और फ्रिक्टोज का कार्बन नंबर टू का हाइड्रोजन ये दोनों यहां से रिलीज होंगे वाटर का मालिक्यूल बनेगा और ऑक्सीजन का मालिक्यूल लिंक कर रहा है दो कार्बन को सो ओ सी ये रिप्रेजेंटेशन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की एक डाइसक्राइड स्ट्रक्चर डिवेलप हो गया जो कि कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर वन ग्लूकोज का है और कार्बन नंबर टू फ्रिक्टोज का है तो उनके दरमियान बॉन्ड डिवेल्प हुआ और इस पूरे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हैं इसी तरह से जो फिजियोलॉजिकली उनमें माल्टोज है सुक्रोज है जो कि ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है और तीसरा लेक्टोज है जो मोनोसुक्राइड है माल्टोज के अंदर वो ग्लूकोज और इनके दरमियान अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है इसी तरह से जो केन शुगर है सुक्रोस उसमें ग्लूकोस और फ्रेक्टोस वन टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिंक से जुड़े हुए हैं और लेक्टोस मिल्क शुगर उसमें ग्लूकोस और ग्लेक्टोज बेटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पोलिसक्राइड पोलिसक्राइड की जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर स्टार्च ग्लाइकोजन सेलोस डेक्सट्रीन, एगर पैक्टिन काइटन, ये पोलिसक्राइड हैं इनमें कुछ होमोपोलिसक्राइड हैं और कुछ हेट्रोपोलिसक्राइड हैं। होमोपोलिसक्राइड के अंदर प्योर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन जो हैट्रोपोलिसक्राइड है इनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ इन एडिशन कुछ दूसरे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं पोलिसक्राइड को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये कुछ फीचर्स के बेस पे हम कर सकते हैं स्टार्च प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और प्लांट्स के फ्रूट्स के अंदर ग्रेन्स में सीड में एंड में लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं स्टोर होते हैं और एनिमल के लीवर में और मसल सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं इसी तरह से मोस्ट अबेंडेंट पोलिसक्राइड जो है वो सेल्लोज है प्लांट के अंदर मेन जो कॉन्स्टिट्यूट है सेल वॉल का वो सेलोज है इसी तरह से जो मेन फंक्शन है इनके स्टार्च मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड फॉर एम मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल इज कार्ड स्टार्च इसी तरह से चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड स्टेटमेंट इन एनिमल वो होगा ग्लाइकोजन इसी तरह से जो सेलोज है वो मेन कंस्टिट्यूट बनेगा सेल बॉल का जो कि प्लांट सेल में मौजूद होती है इसके बाद जो तीसरा इसका फीचर है वो रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है hydrolysis के बाद स्टार्च अपने बेसिक के अंदर कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और सेल्लोज भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सोलबिलिटी सोलिबिलिटी इन वाटर स्टार्च सोलेबल इन हॉट वाटर एंड अमाइलोपैक्टिन जो कि स्टार्च की टाइप है दो इसके टाइप हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन अमाइलोपैक्टिन हॉट वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होता लेकिन एमाइलोज जो है वो सोलेबल हो जाता है इसी तरह से जो ग्लाइक्रोजन है ये इन सोलबल है हॉट एंड कोल्ड वाटर के अंदर और सेल्लोज हाईली इंसोलबल है इन हॉट एंड कोल्ड वाटर तीसरा है इनका केमिकल टेस्ट आयोडीन के साथ स्टार्च का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर देगा ग्लाइकोजन का जो सोल्यूशन है वो रेड कलर देता है जबकि सेल्लोज कोई कलर आयोडीन के साथ नहीं देता नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल एंड कंप्राइज ओवर 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल एंड कंप्राइज़ ओवर 50% परसेंट ऑफ द ड्राई वेट प्रेजेंट एवरी पार्ट एंड एवरी टाइप एंड एवरी काइंड ऑफ सेल प्रोटीन और पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स और इन अमीनो एसिड्स के अंदर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये चार एलिमेंट हैं बेसिक जो कि एमानो एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं Amanuacers की जो ताद बुक के अंदर दी गई है वो 170 है यहाँ पे अबाउट 170 है तो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के अंदर अगर आपसे इस तरीके से वो पूछेंगे कि नंबर ऑफ टोटल तो वो 170 होंगे 25 फाइव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स मोस्टली 20 अमानो एसिड फॉर्म द प्रोटीन इसी से एक क्वेश्चन एमसीक्यूज हम देखते हैं मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इस स्टेटमेंट को यहां से आप देख सकते हैं कि 20 मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इसी तरह से ये एक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका राइट साइड पे होगा आर ग्रुप को रिप्लेसेबल ग्रुप कहते हैं ये रेडिकल एंड दिस इज कार्ड हाइड्रोजन एंड वो कार्बन जो अमाइनो को कार्बोक्सिलिक आर और एच के दरम्यान होती है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये दो अमाइनो एसिड हैं, एक ग्लाइसिन है और दूसरा एलानिन एलानिन के अंदर आर ग्रुप रिप्लेस हो गया मिथाइल से और यहां आर ग्रुप रिप्लेस हो गया एच से हाइड्रोजन से पेप्टाइड बॉन्ड डिवेल्प होता है कार्बोक्सिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ लेफ्ट अमानो एसेड अमाइनो हाइड्रोजन ऑफ अदर अमाइनो एसिड लेफ्ट साइड के अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और राइट right साइड के अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप से ये दोनों यहां से रिप्लेस होंगे वाटर का मालिक्यूल बनेगा और बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है सी और एन के दरम्यान ये जो बॉन्ड डिवेल्प हुआ है दिस बॉन्ड इज कार्ड पेप्टाइड बॉन्ड द बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड कार्बन एंड नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल का नाम ग्लाइसल एलानिन और ये एक है इसी तरह से पेप्टाइड का जो एम बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन यहां पे अगर हम देखें तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है तो अगर इसी इंफॉर्मेशन को यहां अप्लाई करें इस स्टेटमेंट के ऊपर तो पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन सी एंड एन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, चार लेवल हैं। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। चार लेवल हैं। इन चार को कंपेयर किया गया है एक टेबल के अंदर इसके तीन फीचर एक डेफिनेशन की बेस पे है या इसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी डेफिनेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमेनोएसड

एक स्ट्रेट चेन बनेगी अमाइनो एसिड की लेकिन यहाँ पे इस चीज की क्वाइलिंग होगी और यहाँ पे इस तरह करके इसकी बैंडिंग एंड फोल्डिंग होगी और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स की बैंडिंग एंड फोल्डिंग है उनके दरमियान एग्रीगेशन और ये एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती अगर हम बॉन्ड्स को देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड ब्रिजेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं ट्रस स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ आयनिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज इसके अंदर मौजूद होंगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इंक्लूडिंग पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड तो बाकी तमाम स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा सेकेंडरी में भी होगा ट्रशी में भी होगा और क्वार्टनरी के अंदर भी मौजूद होगा इसी तरह से अगर इनकी एग्जाम्पल हम देखें तो इंसुलिन की एग्जाम्पल डिस्कस हुई है बुक के अंदर और हीमोग्लोबिन की सेकेंडरी के अंदर अल्फा हेलेक्स और बेटा प्लेटेड को डिस्कस किया गया है और क्वार्टर के अंदर कंप्लीट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल डिस्कस हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर में फेडरिक सेंगर ने डिटरमिन किया सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इंसुलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर 51 वन अमानो एसड्स होते हैं और दो चेन्स की फॉर्म में होते हैं अल्फा चेन के अंदर 21 वन अमानो होते हैं और बेटा चेन के अंदर 30 अमानो एसड्स होते हैं और दोनों चेन्स के दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद होते हैं इसी तरह से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 574 सेवेंटी फोर होंगे हर अल्फा चेन के अंदर वन फोर्टी वन होते हैं और हर बेटा चेन के अंदर वन होते हैं 141 अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अल्फा चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो अमानो कितने हैं तो 282 बनेंगे बनेंगे इसके अंदर और acids, अंदर और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बीटा चेन के 292 बनेंगे। दोनों को हम प्लस करेंगे तो 574 बन जाएंगे इस तरीके से एक चेन में अल्फा चेन के टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ बीटा चेन एंड टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एचबी इस तरह से क्वेश्चन डेवलप होते ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड गिवन है इसी से डेवलप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि क्वाइलिंग और फोल्डिंग है इसी क्वाइलिंग और फोल्डिंग की फर्दर बेंडिंग हो जाए उस बेंडिंग के रिजल्ट पे डेवलप होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और अगर उन्हीं डिफरेंट बैंडेड molecules का एग्रीगेशन हो जाए हाइड्रोफोबिक interaction से तो उसको हम quaternary स्ट्रक्चर का नाम देते हैं एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है बुक के अंदर एक वैल्यू दी हुई है 3.6 36 तो ये basically 10 10 का है number, 10 turns के अंदर 36 होते हैं और एक टर्न के अंदर 3.6 नंबर ऑफ अमानो एसिड मौजूद होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इसमें दो ग्रुप हमारे पास हैं एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और दूसरी फाइब्रस प्रोटीन है क्लासिफिकेशन के लिए ये फीचर्स यूज किए गए हैं शेप ये स्फेरिकल शेप में होती है या फाइब्रस जो है वो प्रोटीन फेबरल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है क्रिस्टलाइजेशन ग्लोबुलर प्रोटीन कैन बी क्रिस्टलाइन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लेकिन फाइबरल प्रोटीन क्रिस्टलाइज नहीं होती इलास्टिसिटी देखें तो इलास्टिसिटी ग्लोबल प्रोटीन में नहीं होती लेकिन फाइब्रस प्रोटीन आर इलास्टिक इन नेचर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर हम इसका देखें तो उस लेवल में ग्लोबल प्रोटीन के अंदर टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है रोल अगर देखें इसका फंक्शन हम देखें तो ग्लोबल प्रोटीन मोस्टली फंक्शनल रोल प्ले करती हैं बिकॉज हारमोन होते हैं एंजाइम्स होते हैं एंटीबॉडीज होती हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन कैरियर है मायाग्लोबिन हो सकती है सो आर फंक्शनल इन देयर रोल प्रोटीन चूँकि माइसिन है कैरेटिन है सिल्क फाइबर्स हैं और स्पाइडर वेब है तो लादा स्ट्रक्चरल रोल होगा इसका स्टेबिलिटी अगर हम देखें मीडियम के अंदर तो ये अनस्टेबल लेकिन फाइब्रस प्रोटीन कंपेरेटिवली स्टेबल इन नेचर होती सोलबिलिटी में देखें तो ग्लोबल प्रोटीन सोलबल हो जाती है लेकिन फाइबर प्रोटीन इनसॉलेबल होती है हेयर इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें इन्जाइम्स आते हैं हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है हारमोन है और एंटीबॉडीज फाइबरस प्रोटीन के अंदर मायोसिन है कैरेटिन है स्किन फाइबर है सिल्क और स्पाइडर वेब इस सारी इंफॉर्मेशन को जो कि टेबल में दी है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं केमसिक्यूज के ऊपर मायोसिन तो मायोसिन अगर हम यहां से देखें तो ये फाइब्रस प्रोटीन के अंदर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू फंक्शन तो फंक्शन की बेस पे जब प्रोटीन को हम क्लासिफाई करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चरल टाइप की प्रोटीन हो सकती है स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पोनेंट ऑफ स्किन नेल हेयर एंड लिगामेंट और इसकी एग्जाम्पल कॉलेज प्रोटीन रेटीन और एलास्टीन इसी तरह से अगर हम इंजाइम टाइप की प्रोटीन देखें तो इसमें इंजाइम जो होते हैं वो कैटलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को और कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी हैं पेप्सिन ट्रिप्सिन रिप्सिन बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास हार्मोन्स हार्मोन्स के अंदर अगर इसका फंक्शन देखें तो ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं मेटाबोलिक प्रोसेसिस को और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है रेगुलेट करती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में अगर हम देखें ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, और स्टोर करती हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टरी पिगमेंट में आएगा मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट के अंदर आएगा इसी तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजन और ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे इसकी एग्जांपल एंटीबॉडीज हैं जो डिफेंड करती हैं और ब्लड क्लोटिंग की एग्जाम्पल फेब्रेनोजन है इसी तरह से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फॉर्मेशन में और कंट्रेक्शन और मायोसिन एग्जाम्पल उसकी ट्यूबलीन मायोसिन और एक्टिन लिपिड्स लिपिड्स की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन इस तरह से है कि हाइट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स इनसोलेबल होते हैं इन वाटर बट देआरबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट जिसमें ईथर है एल्कोहल है क्लोरोफोम एंड बेंजीन। लिपिड्स के अंदर हाई प्रपोर्शन में सी एच बॉन्ड होते हैं लेकिन लेस प्रपोर्शन के अंदर सीओ बॉन्ड मौजूद होते हैं अगर आप इनके फंक्शन की बात करें तो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोनेट होते हैं फास्टू स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट और उसकी वजह सी एच बॉन्ड है लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन लिपिड प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस, इन प्लांट लीव्स एंड लिपिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम डैमेज लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है इसमें चार पार्ट हैं असाइल ग्लिसरोल वैक्सिस, फॉस्फोलिपिड्स एंड इन चारों को हमने तीन फीचर के अंदर क्लासिफाई किया है सबसे पहले इनकी लोकेशन या इनकी अक्रेंस है नेचर है बट दे आर प्रेजेंट इन कोटिंग इन फ्रूट्स एंड and leaves, insects के अंदर बर्ड्स के अंदर और एनिमल में शीप के ऊपर जो उसकी वूल होती इसी तरह से जो फास्फोलिपिड्स हैं, they दे आर ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया प्लांट्स एनिमल सेल एंड दे आर पार्ट ऑफ सेल मेब्रेन स्पेशली फास्फोलिपिड्स।

स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दी गई है वो पॉइंट एट है इसी तरह से फैट एंड ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे होंगे वो फैट हैं और जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होंगे अनसेचुरेटेड होंगे उनको ऑयल्स कहते हैं तो इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड ऑन द बेस ऑफ कार्बन चेन इसी तरह से जो वैक्सीज है इनमें लॉन्ग चेन अल्केन्स जिनमें कार्बन का नंबर 25 से 35 इन एडिशन टू अल्कोहल कीटोन एस्टर अलोंग विद फैटी एसिड्स दे आर मिक्सचर इसी तरह से जो फास्फोलिपिड्स हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ फास्फेटेडिक एसिड अलोंग विद नाइट्रोजन बेसिस फास्फेटेडिक एसिड के अंदर ग्लिसरोल फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड ये तीन आपस में मिलेंगे फास्फेटेडिक एसिड बनेगा और फास्फेटेडिक एसिड के साथ

असाइल ग्लिसरॉल को हम न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं या मोस्ट अबंडेंट भी कहते हैं अब इनके फंक्शन की बात करते हैं असाइल ग्लिसरॉल आर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन वैक्सिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड इन प्लांट एंड एब्रेसिव डैमेज फास्फोलिपिड्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेंब्रेनस टेरपीनॉइड्स क्योंकि ये पार्ट होते हैं क्रेटिनाइड्स एक्सेसरी पिगमेंट्स का

यहां पे वन टू थ्री ग्लेसरोल और इसके राइट right साइड पे फैटी एसिड अब ये बन गया फॉस्फो गोल असाइल और असाइल ग्लिस्टरोल के साथ ये फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल है असाइल ग्लिस्टरोल एंड फॉस्फोरिक एसिड एट कार्बन नंबर थ्री डिवेल्प मॉलिक्यूल कार्ड फॉसफेटेडिक एसिड इसी फॉस्फेटेडिक एसिड के साथ जब कॉलिन का मॉलिक्यूल अटैच होगा ये कॉलिन का मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन बेस है ओपन चेन उस दौरान यहां से ओ OH एच ग्रुप और यहां से एच और यहां से एच ये इस कार्बन का है और ये इस ऑक्सीजन के साथ है। यहां से ये रिलीज होगा तो ये बन जाएगा फास्फोटेडाइल कॉलिन और इसी को हम आमतौर पे लेसिथिन भी कहते हैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इसमें ये जो पोर्शन है इसका हेड वाला ये पोलर है और इसके अंदर चार मौजूद होते हैं लेकिन जो टेल स्ट्रक्चर है जो कि नॉन पोलर है और इसी नॉन पोलर को हम हाइड्रोफोबिक और हेड स्ट्रक्चर को हाइड्रोफिलिक का नाम देते हैं बेसिकली तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की है इसका जो रिएक्शन है उसको अगर हम देखें तो फॉस्फेटेडिक एसिड बेसिकली कंबाइन हुआ है ग्लिस्टरोल के और दो फैटी एसिड से और इन तमाम के कॉम्बिनेशन से जो चीज डिवेलप हुई है उसको हम फॉस्फेटेडिक एसिड कहते हैं ये बेसिकली यहां से आएगा इसी तरह से जब इसके साथ नाइट्रोजन बेस जो कि कॉलिन भी हो सकती है सीरिन भी हो सकती है और एंथनोलान भी हो सकती है लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉलिन अटैच होगी और ये तीनों नाइट्रोजन बेसिस हैं लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर में नहीं है ओपन चेन के अंदर मौजूद है तो यहां से एक स्ट्रक्चर जो डिवेलप होती है उसको हम फॉसुलिपेड का नाम देंगे तो फास्फोटेडिक एसिड प्लस कोलिन डिवेलप स्ट्रक्चर दैट विल बी कॉल्ड फासफोटाइल कोलिन इसी का नाम है लेसिथीन और इसी को हम फास्फो लिपिड्स कहते हैं थैंक यू वेरी मच